बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर पंचकुला से बड़ी जानकारी है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। तो हरियाणा बीजेपी की आज कई अहम बैठकें हैं, लगातार हम आपको सुबह से अपडेट कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पंचकुला पहुंचे, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने भी शिरकत की है और अब से कुछ देर में विधायक दल की भी बैठक होगी, मीटिंग होगी। दोपहर ढाई बजे की बात करें तो दोपहर ढाई बजे जिलों की छोटी टोली की बैठक है। शाम करीब पांच बजे की बात करें तो शाम करीब पांच बजे संसदीय दल की भी बैठक होगी। बैठक में संगठन की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है और जानकारी ये सामने आ रही है कि अलग अलग बैठकों का मकसद, अलग अलग बैठकों का उद्देश्य यही है कि प्रदेश के बड़े मसलों पर चर्चा की जा सके। और इससे भी ऊपर की बात यह है कि पार्टी को संगठनात्मक तौर पर हम मजबूती प्रदान और ज्यादा कैसे करें, इस पर भी चर्चा चल रही है। फिलहाल आपको बता दें जो बैठक चल रही थी पहली, वो खत्म हो गई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है, बैठक में जो चर्चा हुई है वो किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, एजेंडा क्या सेट किया गया आगे वाली बैठकों का? बिल्कुल यश, देखिए अगर अभी ताजा स्थिति की बात करें तो विधायक दल की जो बैठक है, भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल है उनकी बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और उस विधायक दल की बैठक में तमाम जो मंत्री हैं, जो पहले दौर की जो बैठक में शामिल थे, वो लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस बैठक में मौजूद हैं। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है, जिस प्रकार से जो बातें निकल कर के सामने आई हैं, वो यही आई है कि बैठकों में राजनीतिक स्थिति क्या है प्रदेश की, उस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आने वाले जो नगर निकाय चुनाव हैं उनको लेकर चर्चा की जानी है, किस प्रकार से संगठन को लड़ना है, किस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो फाइनल करनी है, किस हिसाब से जो है आगे जो आने वाला इलेक्शन है उस पर बातचीत की जाए, तो तमाम ये मुद्दे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं चंडीगढ़ और पंजाब विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि पंजाब की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ जो है पंजाब के हवाले कर दिया जाए या पंजाब को दे दिया जाए, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। इस पर भी कहीं ना कहीं निंदनीय प्रस्ताव जो है लाने का प्रयास इस जो बैठक है, विधायक दल की बैठक है और तमाम जो बैठकें हैं उसमें किया जाना है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप में तमाम चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं तो एसवाईएल का मुद्दा है, जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा और पंजाब को अलग हुआ, जब हरियाणा अलग हुआ था तो उस विषय में तमाम जो चीजें थी उनकी बांटी गई थी, 60-40 का जो रेशियो था उस पर बात की जानी चाहिए। और प्रदेश की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, वो दोनों प्रदेशों की राजधानी है, 60-40 का जो रेशियो है उसके हिसाब से तमाम चीजें हैं और वो जारी रहनी चाहिए। किसी एक पार्टी को या किसी एक प्रदेश को जो चंडीगढ़ है उस वो नहीं दिया जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो पंजाब की तरफ से कहा गया था कि तो चंडीगढ़ को जो है पंजाब को दिया जाए, उसके बाद से लगातार जो है बयानबाजियां शुरू हैं, तमाम जो नेता हैं वो अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुबह हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो प्रस्ताव लाया गया है, जो स्पेशल सेशन जो बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जो है निंदनीय है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो ये पार्टी है ये झूठों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है, और लगातार इस प्रकार की जो बयानबाजियां हैं एक दूसरे के प्रति वो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हावी रहने वाले। इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी रवि, विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, इसका कोई समय तय किया गया है कि ये बैठक कब तक चलेगी और इसमें जो मुख्य एजेंडा है विधायक दल की बैठक में वो क्या रखा गया है और कौन कौन फिलहाल जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, क्या सभी विधायक पहुंच गए हैं? बिल्कुल यश, देखिए अगर एजेंडे की बात करें तो ये सभी एजेंडे जो हैं, जो अभी मैंने आपको बताई, तमाम जो एजेंडे हैं इस बैठक में शामिल, इसी बैठक में भी यही एजेंडे, इन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। और विधायकों की अगर बात करें तो मोस्टली विधायक जो हैं, ज्यादातर विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत के आए हैं, वो इस
मीटिंग में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में, क्योंकि वो विधायक हैं इसलिए उस बैठक का हिस्सा रहेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अभी औपचारिक तौर पर किसी ने कोई इस बात की पुष्टि नहीं की है क्या इस मीटिंग में चर्चा की गई है, किस प्रकार की मीटिंग रही है। हालांकि जो सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से ही तमाम जो मुद्दे हैं इन पर जो बातचीत की गई है, और खासकर जो अब राजनीतिक जो मुद्दा बनता जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार पंजाब की तरफ से जो है हक जताया जा रहा है चंडीगढ़, इसको लेकर काफी अहम जो है बातचीत की जा सकती है। निंदनीय प्रस्ताव जो है इस बैठक में लाया जा सकता है। तो इन मुद्दों पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें किस प्रकार से लड़ा जाए, आगे वाला जो नगर निकाय चुनाव है उसमें गठबंधन के साथ चुनाव जो है वो लड़ा जाए या अकेले चुनाव लड़ा जाए, सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, तमाम जो बातें हैं इस बैठक में जो है उन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ठीक है रवि, लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्य एजेंडा बहुत है, और मुख्य एजेंडे के साथ साथ यहां पर एक सवाल परिस्थितियों को लेकर खड़ा हो गया है कि अब किसका चंडीगढ़, जहां पर एक तरफ पंजाब की तरफ से अपना दावा ठोका गया है, स्पेशल सेशन बुलाया गया, सत्र बुलाया गया जहां पर चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया जाए, ये प्रस्ताव लाया गया। तो यानी कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार चंडीगढ़ के मसले पर आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको अब ग्राफिक्स के जरिए भी अहम जानकारियों से अवगत करना बहुत जरूरी है। तो हरियाणा बीजेपी की बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने अहम जानकारी, तो संगठन की मजबूती जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा हमेशा से रहा है, इसके अलावा पंचायत चुनाव, इसके अलावा बात करें निकाय चुनाव, तो ये जो एजेंडे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात और जो हालात हैं राजनीतिक तौर पर उसको और बेहतर कैसे किया जाए, तो पंजाब का चंडीगढ़ पर प्रस्ताव, इस पर भी चर्चा चल रही है। और हरियाणा के लिए SYL का पानी यानी कि सतलुज यमुना लिंक का पानी, और ये वो मुद्दे हैं जो इस बैठक में डिस्कस किए जा रहे हैं, ये वो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई है मंत्रिमंडल की बैठक में, ये वो मुद्दे हैं जो फिलहाल जो भी बैठक चल रही है विधायक दल की, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा भी चल रही है। अभी और भी कई बैठकें हैं जिस पर चर्चा चलनी है। दोपहर 2:30 बजे की बात करें तो दोपहर 2:30 बजे जिलों की छोटी टोली की भी बैठक है। फिर इसके अलावा बात करें शाम करीब 5 बजे की, तो शाम करीब 5 बजे संसदीय दल की भी बैठक होगी। तो बैठक में संगठन की मजबूती समेत कई मुद्दे हैं, और मुद्दे क्या हैं यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। लेकिन देखना होगा जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो SYL का पानी हो, पंजाब से बात हो चंडीगढ़ के मुद्दे पर, कैसे निष्कर्ष निकलेगा, टेबल टॉक होगी या नहीं होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए बात करेंगे पंचकुला